फोटोशॉप में इस तरह का फ्लोटिंग टेक्स्ट कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले हम अपना एक कैनवास क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। मैंने जो साइज रखा है वो 750 और 1000। आप अपने हिसाब से अपना कैनवास का साइज सेलेक्ट कर लें। क्रिएट पर क्लिक करें, कंट्रोल 0 से जूम अप कर लें। फिर हम इसके ऊपर एक टेक्स्ट टाइप करेंगे, टाइप को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट टी कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो टाइप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अपने टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर हम इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। फिर हम इस टेक्स्ट लेयर का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। कंट्रोल जे से कीबोर्ड से कंट्रोल और जे एक साथ प्रेस करके फिर हम डुप्लीकेट टेक्स्ट लेयर को रास्टराइज करेंगे। उसके लिए उस टेक्स्ट पर राइट क्लिक करेंगे और रास्टराइज टाइप कर लेंगे। फिर हम इसको पकड़कर नीचे ले आएंगे और ऊपर वाले टेक्स्ट लेयर का और ऊपर वाले टेक्स्ट लेयर को हाइड कर लेंगे। फिर हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर गैलरी में जाएंगे और पाथ ब्लर सेलेक्ट करेंगे। हमारा पाथ ब्लर का पैनल ओपन हो जाएगा और पाथ ब्लर में ब्लर टूल्स में हम एडिट ब्लर शेप्स ऑन रखेंगे। इसको ऑफ नहीं रखेंगे, ऑन रखेंगे। ऑफ होने पर हमारा हैंडल ऐसा होगा और ऑन होने पर हमारा हैंडल ऐसा रेड और ब्लू हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे पॉइंट से पकड़ेंगे, ऊपर की ओर ड्रैग कर लेंगे और इसको ऐसे साइड की ओर ड्रैग कर सकते, लेफ्ट साइड की ओर इसको पकड़ कर ऊपर थोड़ा ले आएंगे, इसको थोड़ा सा अंदर ले आएंगे। फिर हम ब्लर वाले टेक्स्ट लेयर का कलर चेंज कर लेंगे। उसके लिए लेयर स्टाइल में जाएंगे, कलर ओवरले सेलेक्ट करेंगे। मैंने इसका कलर रेड रखा हुआ है, आप ब्लू येलो कुछ भी रख सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। फिर हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे ब्लर वाले लेयर का, कंट्रोल जे से, और दोनों को कंट्रोल प्रेस करेंगे और नीचे वाला लेयर भी सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों को मर्ज कर लेंगे। उन लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। फिर हम मर्ज लेयर्स पर क्लिक कर लेंगे, दोनों एक साथ में मर्ज हो जाएंगे। फिर ऊपर वाला लेयर भी अनहाइड कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम इसको भी रास्टराइज कर लेंगे। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे उस लेयर पर और रास्टराइज टाइप पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसका कलर चेंज कर लेंगे, लेयर स्टाइल्स में जाएंगे, कलर ओवरले में जाएंगे, इसका कलर वाइट कर लेंगे। ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब दोनों लेयर्स का एक और डुप्लीकेट बना लेंगे कंट्रोल जे से। फिर इन दोनों के ऊपर में नीचे वाली लेयर्स हैं जो उन दोनों के ऊपर में ग्रेडिएंट मैप अप्लाई करेंगे। उसके लिए एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, ग्रेडिएंट मैप में जाएंगे और ये बीच वाला जो पैनल सा है, स्लाइडर सा है, उसके बीच में क्लिक करेंगे और ग्रेडिएंट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना एक ग्रेडिएंट अच्छा सा बना लो और लास्ट वाले हैंडल का कलर ब्लैक रखेंगे और फर्स्ट वाले हैंडल का कलर वाइट रखेंगे। बीच में आप कलर डाल सकते हो।
ओके पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इन दोनों लेयर्स का एक और डुप्लीकेट बना लेंगे जिस पर हमने ग्रेडिएंट मैप अप्लाई किया था। कंट्रोल जे से इसका एक और डुप्लीकेट बना लेंगे। इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज लेयर्स पर क्लिक कर लेंगे। फिर जो इनको पकड़ कर नीचे की ओर ले आएंगे, ले आएंगे ओके। फिर हम इसको सबसे नीचे ले आएंगे। फिर हम स्मज ब्रश सेलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, साथ में कीबोर्ड से शिफ्ट भी प्रेस करेंगे और नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे। और सॉरी, नीचे जाएगा जब शिफ्ट छोड़ देना। फिर से ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे और नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे। आगे में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। फिर हम इसको ऊपर की ओर ड्रैग कर लेंगे, फिर शिफ्ट होल्ड करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे, ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। फिर हम ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर लेंगे। उसके लिए स्मज वाले लेयर के ऊपर मास्क अप्लाई कर लेंगे, फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट बी, ब्रश का शॉर्टकट बी है, कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो ब्रश सेलेक्ट होगा। फिर हम इसको ऐसे अनवांटेड पार्ट रिमूव कर लेंगे। जूम करने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट होल्ड करें और स्क्रॉल बटन को आगे की ओर ड्रैग कर लें। जूम आउट करने के लिए फिर से ऑल्ट होल्ड करें और पीछे की ओर ड्रैग करें स्क्रॉल बटन से। कलर को रिवर्स करने के लिए कीबोर्ड से एक्स प्रेस करेंगे तो कलर हमारा रिवर्स हो जाएगा। सबसे ऊपर में जो टेक्स्ट लेयर है उसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करूंगा। अगर आपका टेक्स्ट बोल्ड है तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेयर स्टाइल में जाऊंगा, स्ट्रोक सेलेक्ट करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा, बोल्ड जीरो करूंगा। हमारा फ्लोटिंग टेक्स्ट इफेक्ट रेडी हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।